मुंबई की बॉम्बे आर्ट गैलरी में इनविजिबल पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई है। बस ये हमारा मेन आर्टिस्ट है मैडम, ओनली इनसेन गैलरी। इस चित्रकला प्रदर्शनी में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो चित्रकलाएँ हैं वो एकदम अनोखी हैं। मैंने आज तक इस तरह की चित्रकला नहीं देखी है। अलौकिक हैं, सुंदर हैं, जो बरस पर आपका मन मोह लेती हैं। मैं कलाकार की इस कला का अभिवादन करती हूँ और ये एक बहुत ही कठिन चित्रकला है जो कि आसानी से हम नहीं बना सकते, जहाँ न तो पेंसिल का उपयोग हुआ है, न स्केल का उपयोग हुआ है, डायरेक्ट ब्रश से, कि जहाँ पर आपके पास गुंजाइश ही नहीं है कि आप गलती कर सको। तो इसके लिए बहुत ही एकाग्रता की ज़रूरत है, जो कि कलाकार के अंदर ये एकाग्रता है। और मैं उनका बहुत पुनः अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी ये कला विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाए। नमस्कार। बढ़िया, इट्स वेरी नाइस, दिस इज यूनिक टेक्निक, इट्स रियली इनविजिबल। उजाले में तो कुछ नहीं दिख रहा है, एंड देन वंस यू स्विच अप द लाइट द फिगर्स कम्स आउट विद स्टनिंग पर्सपेक्टिव। आई होप दिस शो विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो, नॉट ओनली इन द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बट आई थिंक इट इज समथिंग यू नो न्यू काइंड ऑफ मूवमेंट इन द आर्ट वर्ल्ड। So this is not been seen. I travel to almost all over India. I visit almost each and every gallery, not only in India but even outside. I have seen many shows, many art fairs, but this is something new, completely new, never seen before. Congratulations. Thank you. Namaste, Sastriakal, Jai Hind. ये painting देख के मेरा मन बहुत ही उल्लासित हुआ है और इस प्रकार की जो कला है ये मुझे पहली बार ही देखने में आई है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। इट्स टू गुड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच काइंड ऑफ वर्क। द टेक्निक्स इज वेरी इम्प्रेसिव, इट्स रियली रियली अमेजिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डुएट पेंटिंग है जो दिन की रोशनी में भी नज़र आ रही है और रात को भी नज़र आएगी, और रात में जो गणेश जी का रूप है और जो पेंटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। अच्छा, इट वॉज अमेजिंग इनविजिबल पेंटिंग विच वॉज नॉट विजिबल विद लाइट्स, बट वंस द लाइट्स वर ऑफ देन वी कुड सी योर एक्चुअल आर्ट एंड द कलर्स एंड ऑल एवरीथिंग ऑसम। So I am very much thankful to you. ये फर्स्ट टाइम देख करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा आर्ट वर्क इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। I love this painting. This is very new technique. मैंने फर्स्ट टाइम देखा इंडिया। So I love it. और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। From the painting perspective, I think it's one of the most unique thing that I've seen. काफ़ी एक्सप्रेसिव रहे हैं पेंटिंग्स और स्पेशली द ह्यूमन एलिमेंट इन द पेंटिंग हैज बीन वेरी गुड। रियली ब्यूटीफुल वर्क एंड ऑल द बेस्ट टू द आर्टिस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर पेंटिंग गोइंग टू अमेरिका। स्टनिंग वर्क, लव्ड ऑलमोस्ट ऑल पीसेस दैट आई हैव सीन, इज नथिंग दैट वुड से दैट यू नो दैट दे आर ऑल रियली गुड।